दोस्तों नमस्कार। किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में जाने से बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा, कांग्रेस को क्या नुकसान होगा, किरण चौधरी को क्या फ़ायदा होगा, श्रुति चौधरी का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, ये तमाम चर्चाएँ हैं। किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, ये सब कुछ चर्चाओं में है। लेकिन इन सब के बीच मैं आपके साथ एक और अलग मुद्दे पर चर्चा में हूं, और वो ये है कि हरियाणा के आम जन के अंदर, खासकर जो राजनीति में रुचि रखते हैं, जो पॉलिटिकल घटनाओं का एनालाइज करते हैं, उनके अंदर एक बड़ी चर्चा है कि अब कांग्रेस में और कौन सा कांटा निकाला जाएगा या कांग्रेस से अब कौन सा कांटा निकलेगा। आप इसको दोनों तरह ले सकते हैं, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और राजनीतिक दल, इवन परिवारवादी पार्टियों के अंदर भी आपसी अहम का टकराना, आपसी गुटों का होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सभी जगह होता है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो, या पूर्वोत्तर राज्यों की या दक्षिण के राज्यों की जो परिवार की पार्टियां हों, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो जहाँ उनके बेटे कभी कभी तेजस्वी और तेज प्रकाश भिड़ते दिखाई देते हैं, चाहे वो नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी, भले ही आज शिवपाल यादव और अखिलेश यादव इकट्ठे हुए हों, लेकिन आप ध्यान रखें कि एक समय वो था जब पार्टी टूट गई थी, चाहे वो देवीलाल की पार्टी, ताऊ देवीलाल की पार्टी लोकदल, जिनके कि पोते अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला ने अलग अलग राह पकड़ते हुए अलग अलग पार्टियां बना ली। तो यानी कि कोई बड़ी बात नहीं है टकराव होना या अहम टकराना या गुटबाजी होना, कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं तो ऐसा होता है कि इस गुटबाजी को रोक लिया जाता है और कहीं ये गुटबाजी परवान चढ़ जाती है। मैं आपसे बात करने चला हूं कांग्रेस की। कांग्रेस के अंदर अगर बात ये कही जाए कि कांग्रेस में गुटबाजी कब से है या कब तक रहेगी या कब से थी या कब नहीं होगी, ये चर्चा का मुद्दा है ही नहीं। कांग्रेस के अंदर अगर गुटबाजी की आप बात कर लें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भजनलाल की लगती थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बांगर चौधरी वीरेंद्र सिंह की लगती थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव इंद्रजीत के बीच 36 का आंकड़ा था, उससे पहले चलें तो चौधरी भजनलाल और अवतार सिंह भड़ाना की लगती थी, उससे पहले चलें तो चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल की लगती थी, उससे पहले चलें तो फिर चौधरी देवीलाल की और नेताओं से लगती थी कांग्रेस के अंदर, और अगर आगे चलते चलें तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वर्तमान का एक जो कांग्रेस में गुट था एसआर के, शैलजा रणदीप और किरण का गुट, इनकी लगती थी। राजनीति के अंदर सर्वाइव वो व्यक्ति ज़्यादा से कर लेता है जिसके पास जन समर्थन होता है। राजनीति के अंदर वो व्यक्ति ज़्यादा अपनी लोकप्रियता भुना लेता है या अपने को परवान चढ़ा लेता है जिसके साथ जनता का समर्थन होता है। अगर आप माने तो 2004 के दौर से लेकर और 2024 यानी कि दो दशक की आप कांग्रेस की गुटबाजी को देखें तो कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी थी चौधरी भजनलाल के और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट था, बीच में गुट चलता था बांगर चौधरी चौधरी वीरेंद्र सिंह का। 2004 का चुनाव हुआ, चुनाव के अंदर चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने और जो कांग्रेस के सांसद बने थे उन लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ऐसी पैरवी की कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट हो गए। चाहे वो हुड्डा का विरोध करने वाले राव इंद्रजीत थे उस समय, यानी कि बाद में विरोधी हुए, चाहे कुमारी शैलजा थी, चाहे अवतार सिंह भड़ाना थे, तमाम सांसद ही साथ थे मुख्य रूप से। और इधर चौधरी भजनलाल के साथ में जो गांधी परिवार है, यानी कि जो कांग्रेस का सुप्रीमो है, कांग्रेस का बॉस है, उनकी चौधरी भजनलाल परिवार के साथ में कोई टसल्स थी, किसी प्रकार के कोई वीडियोस थे, ऑडियोस थे, कोई सीडी थी, जो भी था, जैसा भी था, लेकिन हुआ ये कि एक किनारे कर दिए गए एक झटके में चौधरी भजनलाल और हुड्डा साहब नेता हो गए। उस गुटबाजी के अंदर मैं आपको बता दूं, भले ही कितनी गुटबाजी की बात चलती हो, जो लोग पार्टी छोड़ते हैं, होता ये कि जब आला कमान की तरफ से उनको सहारा नहीं मिलता तो फिर वो रास्ता बदलते हैं। चौधरी भजनलाल और उनके लाडले कुलदीप बिश्नोई ने जब उनको कांग्रेस आला कमान ने घास नहीं डाली तो वो अलग हो गए, अलग राजनीतिक दुकान खोल ली उन्होंने। यानी कि गुटबाजी के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने जो गुटबाजी थी चौधरी भजनलाल की, नुकसान में भजनलाल रहे, हुड्डा साहब कांग्रेस की रहे, कांग्रेस में ही है और जमे हुए हैं, मुख्यमंत्री भी 10 साल रहे और अगली भी दावेदारी है। अगर आगे चलते हैं तो राव इंद्रजीत सिंह के साथ 36 का आंकड़ा हुआ, उस 36 के आंकड़े के अंदर, हालांकि राव इंद्रजीत ने कभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा,
दीपेंद्र हुड्डा आज भी राव इंद्रजीत और चौधरी धर्मवीर की प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो भी हुआ हुआ ये अंतोगत्वा ये चला कि राव इंद्रजीत सिंह पार्टी से बाहर हो गए, कांग्रेस से बाहर हुए। अब 2016 का देखें, 2016 में कुलदीप बिश्नोई अपनी पार्टी को लेकर के हरियाणा जनहित कांग्रेस को, जो हुड्डा साहब से ही टकरा करके तो अलग हुए थे और बाद में हुड्डा साहब ही नेता थे और कुलदीप बिश्नोई आ गए थे कांग्रेस के अंदर वापस, अपनी पार्टी को मर्ज कर लिया। 2019 में कांग्रेस से विधायक बन गए, बेटे को टिकट भी मिल गया, लेकिन जाने कुलदीप बिश्नोई चाहते क्या थे, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते थे, वो मिला नहीं, गुटबाजी ऐसी चलती रही, वो भी हुड्डा के साहब के सामने गुट बनाकर बैठ गए अपना। और हुआ यूं कि उनको कांग्रेस आला कमान ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने मिलने तक का समय नहीं दिया कुलदीप बिश्नोई को, और कुलदीप बिश्नोई पार्टी छोड़कर चले गए। अब वर्तमान की स्थिति देखें तो हरियाणा के अंदर SRK गुट चल रहा था, शैलजा रणदीप और किरण का, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और शैलजा, जो ये गुट चल रहा था, इन्होंने पारिवारिक नाते भी बना लिए थे अपने, नंद भौजाई का नाता तो हो गया था शैलजा और किरण चौधरी का, और इसके साथ साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला भी ब्रदर की भूमिका में थे। आजकल रणदीप सिंह सुरजेवाला भी नेपथ्य में है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है उनका। और किरण चौधरी का लोकसभा का टिकट क्या कटा, जो उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिला, और उसके बाद किरण चौधरी बगावती होती गई, ऐसा लगा कि वो बगावती हो रही हैं। रावदान सिंह चुनाव हार गए, बताते ये हैं कि किरण चौधरी ने भी पूरी कोशिश की थी कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो, अपनी बात रख सकें, लेकिन किसी ने भी मिलने का टाइम नहीं दिया। मतलब ये था कि अगर आप पार्टी लाइन से अलग चल ही पड़े हो तो फिर आप अलग ही रहें। आप हर मसले पर देख लें, चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह का हो, चाहे वो चौधरी बीरेंद्र सिंह भी 2014 में पार्टी छोड़कर गए थे, हुड्डा साहब से टसल थी उनकी, कांग्रेस ने नहीं मनाया था उनको। कुमारी शैलजा आज तारीफ कर रही हैं, आज बोल रही हैं किरण चौधरी के बारे में, वो उनका दर्द हो सकता है। कुछ नेता और भी कह रहे हैं कि किरण चौधरी को रोका भी जा सकता था, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ कि जिस प्रकार जब भी पार्टी आला कमान को लगा कि गुटबाजी ज़्यादा बड़ी हो रही है, क्योंकि हुड्डा साहब के साथ आप ये तो मान लें कि जन समर्थन है, हुड्डा साहब के साथ में आज भी जो 5 कांग्रेस के सांसद बने, उन 5 में से 4 कांग्रेस के सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं। और अगर विधायकों की बात करें, जो अब 28 विधायक रह गए हैं, हालांकि टेक्निकल रूप से तो अभी 29 ही हैं, क्योंकि किरण चौधरी ने इस्तीफा दिया नहीं और कांग्रेस कह रही है किरण चौधरी को हटाने की, लेकिन 28 विधायक भी मान लें तो 28 विधायकों में से भी 90-95% विधायक आज भी हुड्डा साहब के साथ हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आगे जो भी आया, जो भी उनका कांटा बना, उसको कांटे को निकाल दिया गया या कांटा वो निकल गया। अब अगली अगर रणनीति भी देखें तो अगले कांटे कौन से हैं कांग्रेस के अंदर, अगला नंबर किसका लग सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो 2024 का विधानसभा चुनाव है उसको लेकर बड़ी रणनीति के मूड में है, और उसके लिए ये है कि ऑपरेशन लोटस चला करके, चाहे वो कांग्रेस में है चाहे वो अन्य पार्टी में है, जो भी आधार वाले लोग हैं उनको लाया जाए भारतीय जनता पार्टी में। अगले हुड्डा साहब के रास्ते के कांटे कौन हैं, अगले निशाने कौन हो सकते हैं, और अगले वो कौन से विकेट हैं जो गिर कर सकती हैं, यानी कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।